गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। मैं वंदना और आप देख रहे हैं ब्यूटी इन सिंपलिसिटी। तो सुबह सुबह मैं आ गई छत पे। अभी ये इतने सारे बैंगन हो गया ना, तो मैंने सोचा बिंदु को थोड़ा सा दे दूँ। हेलो, इधर ये ले लो बच्चे। तो ये सब बैंगन बिंदु को दे देते हैं, ये सारे काट के। चलो दोस्तों, मेरा काम हो गया। मैंने बिंदु को सारे दे दिया, अब चलती हूँ नीचे। मैंने ऊपर गई थी, उसने मैं चाय भी पी लिया। तुमने ऊपर नहीं, मैं ऊपर गई थी। मैंने नहीं, मैं ऊपर गई थी। उसमें चाय पी रहा था, पूरा चाय ठंडा हो रहा है। ठंडा काम हो रहा है, घर के तो रखे थे। हाँ, मैं जब वो प्लान था तो थोड़ा पहले उठती हूँ। अरे वही तो भूल गई ना, मैंने सोचा था कल ही नहीं रहूंगा, क्या करूंगी वो सब बैंक के तो जब जा रही थी। मैंने ये बैंगन तो जाएगा सारे, इतने सारा दो दिन में और भी तैयार हो जाएगा अपना। बड़ा वाला बैंगन लाएंगे इस बार, वो भरते वाला बैंगन लगाएंगे। हाँ, भरता वाला बैंगन नीले का, तब बैंगन का पेट तो अच्छा वो मिलता है ना, लेकिन भरते वाले बैंगन लगाएंगे। अरे ओटा दिए, लौंगा काट चुके ना। देखो मिर्ची, मिर्ची लेने के लिए एक कैंची ले आया। अरे पागल, कहीं का तोड़ोगे? अगर तुमसे पौधा टूट गया तो तुम थोड़ी कुछ बोलोगे, अगर मेरे से टूट गया तो मेरा तो क्लास ले लोगे तुम। ये देखो कैसे बोल रहा है। और क्या, तो इसलिए अंदर से भी एक यस कर रहा है। अरे ये पहले ये कर दो, पापा की चमची है। बिल्कुल पापा ने ही बोला, पापा की चमची। ये कितने सारे मिर्ची, अभी छोटा छोटा है, इसमें बड़ा कहाँ है मिर्ची, सब उठा के ले गया। सुनो फालतू फालतू एक कैंची लेके मेरे को है नहीं। कैंची लेके आए क्यों? नहीं है मिर्ची, अभी सब छोटा छोटा है। हाँ उस उधर भी एक दो ये सब निकाल लिया था ना, इसमें है ही नहीं मिर्ची। राम देखो ना, मिर्ची उठाने आए, मिर्ची तोड़ने आए, उठाने तो नहीं, मिर्ची तोड़ने आए, मिर्ची नहीं है। अभी राम दो, गिनती भी तो नहीं आती ना इनको। ये है ना, ये लो लो। हाँ। ओए देखो देखो काटेगा इसको, देखो 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 आप लोग दो। ये है और ना, कहाँ गया? ये खा लिया था। अरे मिर्ची कौन खा जाता है यार? मिर्ची वो पता नहीं कौन खा जाता है, तो बड़ा मिर्ची उर्ची सब खा जाता है। इसमें भी नहीं है, ये देखो खा गया। तुम बोले इतने मिर्ची, इसलिए मैं खरीद के नहीं लाया। एक है ये छोटा, ये नहीं, वो नहीं। अरे बहुत सारे था कल परसों, देख के गया, पता नहीं आधा आधा तो नजर नहीं आता, आधा आधा रहता है इसलिए मिर्ची कोई खा। देखिए एक भी कौन सा, अरे सामने वाले पेड़ पे। ये देखो ये भी बाथरूम से लाल नहीं होने से उनको नजर कैसे आता है? नहीं है और क्या यार? है अरे আমি তো এই দেখলাম আপনি সেদিন তুলে নিয়ে গেলাম, আরে এতগুলো তুলবো না, শুধু শুধু নষ্ট হবে, তো রেখে দিয়া থা, বাস খা কে চলা গেছে। ইয়া পে বহুত সারে লোক আছে খাওয়ার কে লিয়ে, জিতনি ভি মন তোতা মোতা সব আকে অ্যাটাক। তোমার মির্চি মে ইসকো থোড়া সা প্রুন কর দেঙ্গে।
आज ना हस्बैंड घर में है तो उनसे ना थोड़ा सा मिट्टी उट्टी बना के रखते हैं, काम करवा लेते हैं थोड़ा, तो मुझे आसान होगा। जैसे भी पौधे बड़े बड़े होने लगेगा ना तो मैं उसको रिपोर्ट कर दूंगी। यहाँ पे देखो, पिछले साल का पिटूनिया का वो सीड्स गिरा था ना, तो ये कलर दो है, यहाँ पे ये वाइट है, यह पता नहीं कौन सा कलर है। तो ऐसे ना पिटूनिया का आते ही रहते हैं, ये छोटे 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 पौधे निकल रहे हैं। ये देखो एक छोटा पौधा, तो इसको रिपोर्ट कर देते हैं। अगर आप गार्डनिंग का काम अपने हस्बैंड से करवाना चाहते हो ना, जिसने कि कभी गार्डनिंग किया ही नहीं, बहुत प्रॉब्लम होता है। देखो उसमें से, अरे पत्ते मत निकालो, पत्ते उसमें, ठीक है यार, जो मुझे मिल रहा निकाल दे रहा हूँ, उठा जाओ तो पत्ते सत्ते फिर डाल देना यार। अरे पत्ते क्यों निकाल रहा है, पिछले बार डाले थे वो डिकम्पोज हो गया, थोड़ा बहुत जो अच्छा उसके साथ मैच हो जाए। मैं जो निकाल रहा हूँ ठीक निकाल रहा हूँ, देखो अब एक एक करके मैं इसमें बैठ बैठ के चुनू। अब पागल, सिर्फ इसका जो रूट है पिछले वाले पौधे का उसको निकाल दो। मैं नीचे बैठने में प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए बोला है, थोड़ा सा दो गमले का मिट्टी बना दो, और दो गमले का मिट्टी उसमें बना हुआ है, मैंने बना के रखी है। अभी देखो इसके पीछे लगना पड़ेगा, वो तो तुम्हारा आदत है, मैं कुछ भी करूं। अभी ना खाद देंगे, इतना सा इतना दे दो, इतना दे दो, मैं जो करता हूँ एकदम प्रोफेशनल के हिसाब से करता हूँ। पता है एक पौधे आज लगाएगा कल जाकर ये बड़ा नहीं हुआ, ये कुछ नहीं हो रहा, ये बड़ा नहीं हो रहा, ये बड़ा नहीं हो रहा, ये तो कितने दिन हो गए, एक हफ्ते हो गए, अभी तो ऐसे ही है। मतलब उनका है कि आज पौधे लगाओ कल से फ्रूटिंग या फूल देना चालू हो जाए। मैं मतलब लगाता हूं तो ऐसे होता, तुम मतलब तो ऐसे है ना, बच्चे पैदा हो जाए कल स्कूल में जाने लगे, इसी टाइप का इनका भी है। ये मिट्टी के नीचे जो भी पत्ते का खाद है वो सब दे दो उसमें, क्योंकि ये पत्ते का खाद बहुत टाइम लगता है पत्ते का खाद बनने में, और मिलता भी नहीं है। अगर आप पत्ते का खाद बनाने जाओ तो एक साल तो लग ही जाता है पत्ते पत्ते का खाद। ये आ गई मैडम जी, नहाना हो गया, अभी क्लास है इनका। इसका कलर देखो इतना प्यारा है, ये इसमें है ना पिछले साल का विंटर का ये फ्लावरिंग पॉट है, तो इसमें तो और कुछ है ही नहीं इसका खाना पीना, तो ये ऐसे ही छोटे छोटे हो रहा है। तो इसको रिपोर्ट करके इसका कटिंग वटिंग कर देंगे, तो 125 रुपया इस साल सर्दी का बचा लिए। ये तो 100 रुपये मुझे दे दो, लगाया कौन, जुगाड़ कौन कर रहा है ये सब, मैं कर लेता, कर लेता सिखा रही हूँ। वो तो सब बोलता है सिखाना, तो इतना अच्छा गार्डनर मिला है सिखाने के लिए, वो सीखते नहीं पता है, मुझसे नहीं सीखेगा, यूट्यूब देखेगा, देख के सीखेगा, उसके बाद सारे कचरा का कितना उठा उठा के ले आते हैं, कितने सारे खाद। नहीं मैंने ना यूट्यूब देखा था, ये देता है वो देता है, मेरा है सिंपल गार्डनिंग, घर में खाद बनाओ वही डालो, और थोड़ा सा ऐसे ही वर्मी कंपोस्ट बोनलास्ट ये सब दो, वो इतने भर भर के खाद मैं नहीं डालती, ये डालते, सिखाना तो जरूरी है ना। ये देखो जरूरत नहीं है, तुम ऐसे ही करते रहो, बनाते रहो, दिखाते रहो, मैं तो ये फोटो दे दे के बोलता हूँ मेरा है, और लेके अच्छा सबको आइडिया, और क्या देते हैं आइडिया जो भी है वही देते हैं, सलाह देके आते हैं, ये ना ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, कभी किया नहीं, आके मुझे पूछते हैं ठीक बोला है ना, ये करना है ना इसको, एडवाइजर तो है ना इंडिया में सबसे सस्ता तो वही है, तब सोचता अरे यार ये तो बड़ा बड़ा गार्डनर है, ये तो वो तो बहुत कुछ पता है, बोले हाँ बहुत पता है, देख पता समझ गए ना आप, समझ गया क्या, दुनिया यही कर रहा है, कि दुनिया दूसरे गार्डनर आके काम कर रहा है, वो फोटो डाल डाल के अपना वो दे रहा है। ये देखो 5 पिटूनिया के पौधे इसमें लगा दिया ऐसे, तो अभी ये छाया में रखेंगे, मैं सोच रही हूँ रिटायरमेंट के बाद यही करते रहेंगे, सीड्स लगाएंगे, सीडलिंग्स बनाएंगे और बेचेंगे ऑनलाइन, इतने सारे 100 के ऊपर एडेनियम का प्लांट है वो भी बेचेंगे, बहुत महंगा महंगा आता है, मैं तो कम के, और ये प्लांट है जो मैंने सीडलिंग्स किया ये 400-500 का आता है, मैं 250 रुपये 200 रुपये में बेच दूंगी, एक एक बार ले जाएगा सारे बिक जाएगा। हाँ सुनो,
रिटायरमेंट के बाद ही यही काम करेंगे, ठीक है? तुम्हें इसीलिए ट्रेंड कर रहे हैं। ट्रेंड कर रही हूँ इसलिए कि ये पौधे उधे लगाना सीख ले तो आसान होगा ना। बस फ्रेंड, सुबह का ब्रेकफास्ट सारे हो गया और वीडियो मत बनाओ। अगर आप अपने हस्बैंड को काम करवाना चाहते हैं तो सुबह उठ के उसका मूड आप चेक कर ले। अगर मूड अच्छा हो तो उस दिन आप कुछ भी करवा ले, नहीं तो कुछ नहीं होगा। अगर मूड ठीक नहीं होगा, कितने दिन बाद बैठा है, लास्ट सर्दी के बाद अभी बैठा है ये करने के लिए, पता है? हाँ, बाकी तो मैं घोड़े बेच के सो रहा था ना। बाकी दिन पानी देता है ऊपर वाला पौधे में। तो एक टिप्स ले लो, आपके हस्बैंड को अगर काम करवाना हो, मतलब वीडियो मत बनाओ, काम करवाना हो, ये सब पौधा लगाना तो एक्सपर्ट का काम है। आप सुबह उठ के उनका मूड देख लीजिए और आप अपने हिसाब से काम करवाते रहे। वो साल में एक दिन भी हो कोई बात नहीं, लेकिन वो एक दिन भी तो एक दिन में एक साल का काम हो रहा है ना, पौधे तो भी एक साल रहे हैं। एक दिन में आप एक साल का काम करवा लो कोई बात नहीं, प्रोडक्टिव काम होता है। मेरा सारा काम ही प्रोडक्टिव होता है। ये देखो मिट्टी बना रहा है। आधा खाद है नहीं, नीम खली है नहीं, बोनडस्ट है नहीं, खत्म हो गया। मैंने बोला ठीक है, जब बना रहा है बनाने दो, वो बोनडस्ट और नीम खली बाद में मैं डाल दूंगी ऊपर से, लेकिन ये जो मेन काम है ये तो कर दे। इसके लिए मैं बोल दिया। चलो दोस्तों, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो मैं आपको साथ शेयर किया अपने पति को कैसे काम पर लगाए, तो वो लगा है जिसका पति काम नहीं करता, इसका पति ऑलरेडी काम करता है। उम्मीद है आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो दोस्तों फिर मिलते हैं कल एक दोपहर 2 बजे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।